ओह माय गॉड, केटी जी की शादी का सच आज तक दुनिया से छुपा रहा और मम्मी जी केटी जी की शादी को परफेक्ट समझती हैं। ये खबर नहीं, बॉम्ब है बॉम्ब। जैसे ये बात सबको पता चलेगी, मम्मी जी के हाथों के तोते तोड़ेंगे ही, साथ ही साथ ही इज्जत का मुकुट जो पहन के घूम रही है पूरे गांव के सामने, ये तो मिट्टी में मिलता नजर आएगा। मैं आपको जितना जल्दी हो सके अपना सच बताना चाहता हूं प्रीति पार्टनर। मैं ना तो आपको खोना चाहता हूं और ना ही आपके मुझ पर किए विश्वास को। क्या बात है, मतलब हीरोइन खुद को बचा ही नहीं, फंसा भी सकती है। केटी जी, जल्दी निकालिए ना इसे। हाँ हाँ, जल्दी निकालिए, किसी ने अगर मुझे ऐसे देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये बिरादरी वाले, समाज वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे भगवान, राम राम। मेरा मजाक बनाने से अच्छा होगा कि आप इस पे ध्यान दीजिए, निकालिए ना इसे। सही कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये सब ना आपकी गलती है। मेरी गलती क्यों? हाँ तो फिर गिरा कैसे ये? मैंने ठीक से लगाया था केटी जी, मुझे क्या पता ठीक से नहीं बंधा होगा ना। इसको यहाँ से निकाली पहले। आप उलझा दे रहे हैं। नहीं नहीं, उल्टा है ये, इसको ये यहाँ से निकलेगा। मम्मा, पर गांव वाले लोग तो तब जाके शांत हुए ना जब मम्मी जी ने सबको ये कहा कि केटी जी अपनी शादी में बहुत खुश हैं। मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ ना। अब पिछले 17 साल से वो अकेले हैं और मम्मी जी भी अकेले हैं, अपने आप इस पार्टनरशिप की चिता सज जाएगी। माँ हमेशा तो दोनों साथ में रहते हैं, इनके रिश्ते को गलत साबित करना मुश्किल नहीं होगा। मैं अभी जाके सबको बता रही हूँ। क्या? नहीं, प्रीति के ससुराल में उसकी बुआ सास को प्रीति पर बहुत विश्वास है। तो? और देखो कुसुम भी तो है वहाँ, वो प्रीति को बचा लेगी और कुसुम को जरा सी देर नहीं लगेगी तुझे गलत साबित करने में। इसीलिए प्रीति के खिलाफ ना तुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, इतना बड़ा लांछन लगाना होगा जिससे कुसुम तो क्या प्रीति को भगवान भी ना बचा पाए। अब उस परिवार को बताना नहीं दिखाना है। वो कहावत है ना बेटा कि सुनी सुनाई बातों से ज्यादा आंखों देखी का असर होता है। इसीलिए अब तो कुछ इतना बड़ा प्लान कर जिससे वो परिवार केटी और प्रीति के रिश्ते को इतनी बुरी तरह से देखे ना, जिसका कुछ भी कहकर बचाव प्रीति ना कर पाए। और फिर केटी की शादी का सच आग में घी की तरह काम करेगा। बाय मामा। देखा भाई, भाई बोल रहे तो मैंने कहा फिर। वैसे भाई साहब देख क्या रहे वहां छुप छुप के? अरे छुप छुप के क्यों देखूंगा, हमारा घर है जे। हाँ हाँ, आप ही का घर है, लेकिन मैं सोच रहा था अगर मन कर रहा है तो करा लीजिए ना टैटू। हट, मारे को ना पसंद आई ये टट्टू वट्टू, तू ही करा ले। अरे भाई साहब करा लीजिए, टेम्पररी है, है? मतलब 2 दिन में निकल जाएगा। चलिए करा लीजिए ना, तो ही करा दे। अरे मन तो हो रहा है आपका, मन तो हो रहा है आपका, अरे मन तो हो रहा है आपका। मत मार, तो करा लीजिए, तू जोर दे रहा तो करा लेता हूँ। भाई बना दे फूल पत्ती। हाँ बैठो बैठो बैठो, बना दे। अपनी प्रीति बीनी ने देखो कितनी समझदार है, कितनो बढ़िया तरीके से फंक्शन करवा रही है। बड़ी मेहनती है अपनी प्रीति बीनी। देखियो अभी मेहमानों का मनोरंजन करने में लगे हुए, जैसे वो भी इसी घर के सदस्य है। सच कहा आपने, भगवान इनकी कंपनी शादी मुबारक में ना खूब खूब ऊंचाइयों तक ले जाए, खूब तरक्की मिले इन दोनों ने।
अरे यार, ये लोग ऐसे इतना मन लगा के अपने काम में बिजी रहेंगे तो मैं इनको सबकी नजरों में कैसे गिराऊंगी और इनके इस रिश्ते को सबकी नजरों में कैसे लेकर आऊंगी? कैसे? पल्लू फिसलेगा मम्मी जी का, अब देखो कैसे परफेक्ट मम्मी जी को इम्परफेक्ट साबित करती हूँ। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सब के बीच में प्रीति जी को ये गर्मा गर्म खुरचन कैसे खिलाऊं मैं? अरे लाइट कैसे चल गई? जाके देखो कोई भाई। भाई साहब मैं देख कर आती हूँ। बेनिनी ध्यान से। ये लाइट कैसे चली गई? वैसे ठीक ही हुआ, यही सही मौका है प्रीति जी को अंधेरे में कुर्चन खिला सकता हूँ। चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन ये तो डेट मारना हुआ, इसे मुझे अब सबके सामने लेकर आना है। बहुत अच्छा, थैंक यू केटी जी, मुझे सच में खुरचन बहुत पसंद है। मैंने कभी नहीं खाई खुरचन। क्या बात कर रहे हो? आपने खुरचन कभी नहीं खाई? नहीं। मतलब आपने जिंदगी का इतना बड़ा सुख जिया ही नहीं? क्या बात कर रहे? तो अब खा लीजिए, खाइए ना। जब पकड़िए। पसंद नहीं आई ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। झूठ, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको ये पसंद नहीं आई। अच्छा, उल्लू तो नहीं है कहीं? नहीं, इतने अंधेरे में आपने मेरा चेहरा पढ़ लिया। केटी जी, मैं लाइट चेक करके आती हूँ। क्या हुआ? चलो फंक्शन शुरू करते। अब मौका आ गया मम्मी जी को सरप्राइज देने का। मम्मी जी, क्या हुआ? आपकी नथ कहाँ गई? अभी लाइट जाने से पहले तो थी ना? देख देख, अटक गई होगी कहीं। बस तो अभी तो अठही नाच रही थी, अठही गिर गई होगी। चल ढूंढो जरा। अरे ये बिजली कहाँ चली गई थी? सासू माँ मारे को कुछ ठीक ना लग रहा, और मारे को ना कुछ घोसर फोसर सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे ना अंधेरे में कुछ चल रहा हो। अरे मारे गांव में ऐसी लाइट ना जाती, जरूर कुछ गड़बड़ है। मारे को पता चल गया ना तो मैं
तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ढूंढो ढूंढो, गिर गई होगी ना, घूमर कर रहे थे हम सब के साथ। बुआ साहब, मैं माफी मांगती हूँ, आपने इतने प्यार से मुझे वो नत दी थी और मैंने घुमा दी। ना ए बेनी ना, ने थारे पर काम की कितनी जिम्मेदारियां हो गई, नत को कठे ध्यान रखेगी, गिर गई होगी तो परेशान ना हो, मिल जाएगी। अरे ढूंढो ना, मारा मुंडो काई देख रहे हो, ले ढूंढो, अठई होगी। ढूंढो, मिलनी चाहिए नत। यहाँ बेवकूफ लोग हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वहां देखो ना सामने केटी जी के कॉलर पे। बेवकूफों के भरोसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। केटी जी? जी, क्या हुआ? अरे ना, ये था चमकीला था ना, मारे को लगा नथ है। कुसुम आंटी तो जैसे मेरे सारे प्लान्स को फ्लॉप करने के लिए ही पैदा हुई। मेरी नथ केटी जी की कॉलर पे कैसे आई? हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा और इसका बहुत गलत मतलब समझा जाएगा। गोपाल ने बचा लिया, अब केटी जी से किसी भी तरह अपनी नथ वापस लेनी होगी, लेकिन अभी इतने सारे लोग हैं, इनके सामने तो नहीं। हिमारी चिड़कली, अपना खून ना सुखा, नथ है मिल जाएगी, ऐसे नथ को यहां निकाल के थोड़ी ले जाएगा, मिल जाएगी मिल जाएगी। मैं साफ करने बोलती हूँ, किसी विश्वास वाले आदमी को मिल जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।